Hey guys, welcome और welcome back to my channel. Hi guys, I am Shreya. So guys, आज के वीडियो में मैं 5 क्रॉप टॉप का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि मैंने Amazon से मंगवाए हैं. एंड गाइज, ये सारे बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं. गाइज, आप इसको डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हो, एज अ ब्लाउज, एज अ क्रॉप टॉप, विथ योर साड़ी, विथ योर स्कर्ट, विथ योर प्लाजो. बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है ये. सो लेट्स सी कि वो कैसे हैं. चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं. एंड गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना. एंड ऑल्सो गाइस, लेट्स सी द फर्स्ट वन. सो द फर्स्ट वन इज दिस. ब्लैक कलर की है ये, एज यू कैन सी. इस पे ऑल ओवर ये जरी और सीक्वेंस का वर्क हो रखा है, प्रिंट नहीं है, वर्क है. एंड गाइस, ये मुझे आई थिंक लगभग 700 की पड़ी थी एक पीस. सो एज यू कैन सी देयर, काफ़ी प्रिटी वाला पीस है. एज यू कैन सी, काफ़ी प्रिटी है गाइज. ये आप इसको साड़ी के साथ वेयर कर सकते हो, अपने स्कर्ट्स के साथ वेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है. सो ये ब्लैक कलर का है एंड इस पर ऑल ओवर इस टाइप से डिज़ाइन है. ऊपर आपको पाइपिंग भी दी गई है पूरे ब्लाउज पे. एंड इसके साथ स्लीव्स भी आता है, तो अगर आप चाहो तो आप स्लीव्स अटैच करवा सकते हो उसमें. मैंने नहीं करवाया है. बैक से गाइज, ये कुछ इस तरीके का नेक है इसमें. एंड इसमें आपको लटकन भी दिया हुआ है, लटकन भी मिलता है आपको. एंड गाइज, ये ब्रांड है, आई गेस सृष्टि ब्रांड का है ये. नहीं, ये मोरपंक ब्रांड का है. एंड सब में मेरा साइज मीडियम है. क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है. प्राइस के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो उस प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा अच्छा है ये. दिस इज़ द फर्स्ट वन. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सो गाइस, जो नेक्स्ट है वो ये है. रेड कलर का है ये. इसको ऑल ओवर वूवन डिज़ाइन हो रखा है. प्रिंट किसी में भी नहीं मिलेगा आपको. आप में ये बस ये एक ही पीस है जिस पर वूवन डिज़ाइन है, बाकी सब पे आपको जड़ी का वर्क ही मिल रहा है, जड़ी और सीक्वेंस का. सो दिस इज़ इन रेड कलर. इस पर भी ऑल ओवर पाइपिंग दी हुई है. सारे क्रॉप टॉप से आपको पाइपिंग मिल रही है. एंड ये इस टाइप के स्लीव्स है इसमें. कोल्ड शोल्डर, जिसको कोल्ड शोल्डर बोलते हैं. एंड इसके पीछे आपको स्टेप का नेक मिल रहा है. एंड यहाँ पे गाइस ना बटन था, बट वो बटन मेरे से गुम हो गई, जाकर मुझे ये लगाना पड़ा. एंड आपको सब में कप मिलता है, तो अंदर नीट आपको कुछ भी वेयर करने की ज़रूरत नहीं है. एंड सबके बैक साइड में हुक है गाइस. सारे क्रॉप टॉप में ना आपको बैक साइड में हुक मिलता है. सो यार, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है. मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है इसका. अंदर से आपको लाइनिंग भी दी गई है, तो आपको कहीं चुभने वाला नहीं है कुछ भी. या दिस इज़ द नेक्स्ट वन. सो गाइज, लेट्स सी द थर्ड वन. सो द थर्ड वन इज़ दिस. ये ऑरेंज कलर का है एंड मेरा मोस्ट फेवरेट वाला है ये. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये. सो इस पर भी ऑल ओवर आपको सीक्वेंस और जरी का वर्क मिल रहा है. दिस इज एग्जैक्ट फॉर्म में. बैक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है. काफ़ी डीप टेक है इसमें. एंड साथ में आपको लटकन भी मिलता है. इसमें लटकन दूसरा था, वो एक्चुअली एक टूटा हुआ था इसमें जब मैंने लिया था, तो सो मैंने इसमें दूसरा लगा लिया है. क्वालिटी वाइज बहुत सॉफ्ट वाला फैब्रिक है. एज यू कैन सी कितना सॉफ्ट है. सो या, दिस इज़ द थर्ड वन. लेट्स सी द फोर्थ वन. सो द फोर्थ वन इज़ दिस. ये भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट वाला है गाइज. इसमें ऑल ओवर आपको जरी और सीक्वेंस का वर्क मिल रहा है पूरे क्रॉप टॉप में, फ्रंट साइड में ऑल ओवर पाइपिंग भी है. स्लीव सब में मिलता है आपको. बैक साइड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, नेक डिज़ाइन. एंड इसमें भी आपको इस तरीके का लटकन मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी है. इस टाइप के क्रॉप टॉप्स आप किसी भी कलर के साड़ी के साथ वेयर करो, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है वो. एंड नीचे साइड में ना गाइज, आपको इस तरीके का मोतियों का वर्क मिल रहा है. लेस लगी हुई है, मोती वाली लेस लगी हुई है. एज यू कैन सी, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे है. स्लीव्स पे भी आपको मिलता है. सो या, दिस इज द. सो गाइज, लेट्स सी द लास्ट वन. सो द लास्ट वन इज दिस. फूशिया पिंक कलर का है. इस पर भी ऑल ओवर जरी और सीक्वेंस का वर्क हो रखा है. बैक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है. एंड इसमें भी आपको लटकन मिलता है.
मटेरियल वॉज सो सॉफ्ट, हर क्रॉप टॉप का लुक वाइज सारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप किसी भी आउटफिट के साथ वेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। बस आप इस टाइप के क्रॉप टॉप्स को ना साड़ी स्कर्ट्स के साथ वेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है, पार्टी फंक्शन में बहुत ज़्यादा एलिगेंट वाला लुक आता है। एंड गाइस 700 के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो उस रेंज में बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड इसमें से मैंने ना एक दो ऑफलाइन लिया था एवीबी के स्टोर से, क्योंकि गाइस ये एवीबी का ब्रांड है मोरपंख, सो मैंने एवीबी के स्टोर से भी लिया था आई थिंक दो इसमें से, मुझे याद नहीं है कौन, बट मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे लिंक मिला सबका तो मैं सबका लिंक डाल दूँ। सो या पर गाइस एक चीज़ मैं बताऊँगी कि आप एवीबी स्टोर पे ना मुझे आई थिंक 1400 का पड़ा था एक, और वही मैंने अमेज़ॉन से 700 का और समथिंग का एक लिया है। सो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ऑनलाइन ही इसको बाय करें अगर बाय करना हो तो, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। सो दैट्स व्हाई मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप ऑनलाइन ही शॉपिंग करें, क्योंकि ऑफलाइन काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, 1400 में बस एक, और 1400 में ऑनलाइन आपको दो मिल जाएंगे। ये क्रॉप टॉप 1400 में क्यों लोगे जब आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन आपको जब इतने सस्ते में पड़ रहा है तो टोटली हाफ रेट पे। सो आप इसको ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन बाय करना, अगर आपको बाय करना हो तो मैं लिंक नीचे दे दूंगी। गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप कि मेरा ये कलेक्शन आपको अच्छा लगा हो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो ना प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। एंड गाइस वन मोर थिंग, प्लीज़ बस व्यू करके वीडियो को मत छोड़ा करो, कम से कम लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। गाइस कोई पैसा नहीं लगता है उसका, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊं। और अगर कुछ प्रॉब्लम है वीडियोस में तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट करके बताओ कि आपकी वीडियो में ये प्रॉब्लम है, तो मैं उस चीज़ को ठीक करने का कोशिश करूं। सो या सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Sky, we are heroes tonight.